नानी मैं क्या अपना घर बसाऊं? मैं तुमसे प्यार नहीं करता लैला, और ना ही कभी कर सकता हूं। मैं कितना भी वक्त ले लूं, चाहे पूरी उम्र क्यों ना लगा दूं, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं प्यार करना ही नहीं चाहता। मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूं लैला, अब गिरना नहीं चाहता, प्यार में भी नहीं। पर अगर तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने को तैयार हो जो ना तुमसे प्यार करता है और ना कभी करेगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी लैला? हाँ राजा, हाँ, मैं हम दोनों के हिस्से का प्यार कर लूंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ राजा, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ। डॉन जी ने हमें ऐसे क्यों बुलाया होगा? रेखा जेका डार्लिंग, सस्पेक्ट राजा को पिकनिक पर इतना मजा आया कि वो हमें फिर से पिकनिक ले जाना चाहते हैं। लोहा आने वाला है, चुंबक को दूर हो जाना चाहिए। एक और पिकनिक मतलब दूसरे काल पर भी तमाचा। Attention, please. मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आज मेरे सारे सपने सच होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गुड न्यूज मुझे सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बता दो, राजा मुझसे शादी कर रहा है। और हमारी एंगेजमेंट आज ही है। लैला थैंक यू सो मच, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तुमने क्या जादू किया, लेकिन तुम्हारे जादू का असर दिख रहा है। इतने सालों से जो मैं नहीं कर पाई वो तुमने कुछ ही दिनों में कर दिया, राजा का दिल बदल दिया। थैंक यू सो मच नानी। नानी खुश रहे, जीती रहे। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी